हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 प्लस स्टैटिक जीके सीरीज का पार्ट 9। इस सीरीज में हमने थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें अब हम लोग स्टैटिक जीके के साथ साथ 2021 का बेस्ट 5 करंट अफेयर भी देखेंगे सारे वीडियो में। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने नेटवर्क के माध्यम से बायोमेट्रिक आधारित भुगतान प्रणाली आधार पे लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी IDFC बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी SBI बैंक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी IDFC बैंक। IDFC बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। और IDFC बैंक का अब नया नाम क्या हो गया है? IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक। और क्यों हुआ है? IDFC और कैपिटल फर्स्ट का मर्ज हुआ है, और मर्ज होने के बाद नया नाम क्या हो गया है? IDFC फर्स्ट बैंक। और IDFC बैंक के MD एंड CEO कौन है? IDFC बैंक के MD एंड CEO कौन है? वी वैद्यनाथ। अब आते हैं HDFC बैंक पे। HDFC बैंक के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। और HDFC बैंक का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। HDFC बैंक का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब आते हैं ICICI बैंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ICICI बैंक के MD एंड CEO कौन है? संदीप बख्शी। MD एंड CEO कौन है? संदीप बख्शी। और SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खर। SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में जंगली या प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिंपांजी, ऑप्शन बी गोरिल्ला, ऑप्शन सी चीता, ऑप्शन डी हिम तेंदुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हिम तेंदुआ। कौन सा जानवर भारत में जंगली या प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? हिम तेंदुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किसने कविराज की उपाधि धारण की थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। आप आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की 2 कृतियां है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रघुवंश एंड किरातार्जुनीया, ऑप्शन बी कुमार संभव एंड रघुवंश, ऑप्शन सी मालती माधव एंड कुमार संभव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो किरातार्जुनीया के लेखक कौन है? भारवी। किरातार्जुनीया किसने लिखा है? भारवी ने। और मालती माधव किसने लिखा है? भवभूति ने। मालती माधव किसने लिखा है? भवभूति ने। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन सी हो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी कुमार संभव एंड रघुवंश कालिदास की 2 कृतियां है। आप आते क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोलड्रम्स की पेटी सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ध्रुवीय क्षेत्र पोलर रीजन, ऑप्शन बी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सब ट्रॉपिकल रीजन, ऑप्शन सी समशीतोष्ण क्षेत्र टेम्परेट रीजन, ऑप्शन डी भूमध्य रेखीय क्षेत्र इक्वेटोरियल रीजन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी भूमध्य रेखीय क्षेत्र इक्वेटोरियल रीजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
बुधचरित की रचना किसने की? बुधचरित की रचना किसने की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनिष्क प्रथम, ऑप्शन बी कनिष्क द्वितीय, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी चरक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अश्वघोष। बुधचरित की रचना अश्वघोष ने की थी। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। कौन सा रेलवे स्टेशन सभी महिला कर्मचारियों द्वारा चलाया जाने वाला भारत का पहला स्टेशन बन गया है? कौन सा रेलवे स्टेशन सभी महिला कर्मचारियों द्वारा चलाया जाने वाला भारत का पहला स्टेशन बन गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए माटुंगा, ऑप्शन बी हजरत निजामुद्दीन, ऑप्शन सी हजरत निजामुद्दीन, यहाँ पे डबल हो गया कोई बात नहीं, ऑप्शन डी कोलकाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माटुंगा विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन इस तथ्य के लिए जिम्मेदार है कि टेनिस की गेंद मैदानी इलाकों की तुलना में हाई एल्टीट्यूड पर अधिक ऊंचाई पर उछलती है? निम्नलिखित में से कौन इस तथ्य के लिए जिम्मेदार है कि टेनिस की गेंद मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर उछलती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कम गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी उच्च गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी लेस डेंस एयर कम घनी हवा, ऑप्शन डी कम वायुमंडलीय तापमान लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कम घनी हवा, लेस डेंस एयर। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिहार। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। कौन सी राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में गुरु शिष्य कार्यक्रम शुरू करेगी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान। अब कुछ स्टेट के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? मो जीवन। मो जहां भी लग जाए 90% केस में आंसर क्या होगा? उड़ीसा। और कालिया प्रोग्राम कहां लॉन्च हुआ है? उड़ीसा में। और पहल इनिशिएटिव कहां हुआ है? पहल प्रोग्राम PEHL, पहल स्कीम कहां का है? हिमाचल प्रदेश का। पहल स्कीम कहां का है? हिमाचल प्रदेश का। और पर्वत धारा योजना और रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। अब देख लेते कुछ हरियाणा के बारे में। हरियाणा में कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ है? संजीवनी परियोजना कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? हरियाणा ने। और जम्मू एंड कश्मीर में तेजस्विनी योजना कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। अब तो यूटी बन गया है। तो और कर्नाटक में आकांक्षा पोर्टल लॉन्च हुआ है। आकांक्षा पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? कर्नाटका में। अब देखते हैं
केरल में कौन सा स्कीम लॉन्च हुआ है? एक तो वन स्कूल वन आईएएस, वन स्कूल वन आईएएस कहाँ पे, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। और स्मार्ट किचन स्कीम, स्मार्ट किचन स्कीम किसने लॉन्च किया है? केरल ने। और महाराष्ट्र ने क्या किया है? शिव भोजन स्कीम लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है? शिव भोजन। और एमपी ने, मध्य प्रदेश ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है? एक तो लॉन्च लॉन्च पैड स्कीम, एक है कोरोना वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स, और एक पंख अभियान। किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब आते हैं झारखंड के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं कि झारखंड में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। झारखंड में एक तो किसान फसल राहत, किसान फसल राहत, अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च हुआ है। अब आते हैं बेस्ट 5 करंट अफेयर्स ऑफ 2021 देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? एम योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? एम योगा। अब आते हैं सेकंड पे, एलो गोल्ड 48 क्या है? तरबूज की एक किस्म है। एलो गोल्ड 48 क्या है? तरबूज की एक किस्म है। रूबीना फ्रांसिस ने पेरू में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कप में 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? रूबीना फ्रांसिस ने। इफको अर्जेंटीना और ब्राजील में नैनो यूरिया तरल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगा। इफको कहाँ पे नैनो यूरिया तरल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगा? तो कहाँ करेगा? अर्जेंटीना और ब्राजील में। और आज का लास्ट करंट अफेयर देखते हैं, प्रोजेक्ट सी बर्ड भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक परियोजना है। प्रोजेक्ट सी बर्ड भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक परियोजना है। तो ये था हमारा पार्ट 9। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।